चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी बीता है, एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन अव्यवस्थाएं अभी से ही चुभने लगी हैं। बीते 6 दिन में ही 20 यात्रियों की जान चली गई है। बिल्कुल, और हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त चारधाम की यात्रा चल रही है उस वक्त पर्यटन मंत्री ही प्रदेश में नहीं है। सतपाल महाराज इन दिनों दुबई गए हुए हैं। एक हफ्ते में ही खुल गई चार धाम यात्रा की तैयारी की पोल। मुसीबत में चार धाम के यात्री दुबई में हैं पर्यटन मंत्री। चार धाम यात्रा को शुरू हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता और अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया है। इसका उदाहरण है एक हफ्ते में 20 यात्रियों की मौत। ये मौतें सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े करती हैं। 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा शुरू होने के 6 दिन के भीतर ही यात्रा पर आने वाले 20 यात्रियों की मौत हो गई। गंगोत्री और यमुनोत्री में 14 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि केदारनाथ में 5 और बद्रीनाथ धाम में 1 यात्री की जान गई है। बीमार और बुजुर्ग लोगों पर ये यात्रा बेहद भारी पड़ रही है। चार धाम यात्रा हर वर्ष होती है, हर बार आती है और हर बार 2-4 तारीखें आगे पीछे छोड़ करके समय लगभग वही होता है। और आलम यह है कि पिछले एक सप्ताह में चारधाम यात्रा में 20 यात्रियों की अलग अलग कारणों से मृत्यु हो गई है और अव्यवस्थाओं का इतना बोलबाला है कि सिस्टम पूरी काहली का शिकार हो रहा है और मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं रह गया। हाल बदहाल है और जिस मंत्री पर इसकी पूरी जिम्मेदारी है वो दुबई में है। सतपाल महाराज उत्तराखंड में पर्यटन और PWD जैसे विभाग संभालते हैं। ये दोनों ऐसे विभाग हैं जिसकी जिम्मेदारी चार धाम यात्रा के दौरान बढ़ जाती है, लेकिन वो फिलहाल विदेश की यात्रा कर रहे हैं। अब कांग्रेस चुभते हुए सवाल उठा रही है। यहाँ पर बर्फ आई हुई है, पूरे क्या ग्लेशियर्स आए हुए हैं, वहाँ पर रेलिंग्स टूटी है। जो रेलिंग्स थी इस यात्रा से पहले ठीक हो जानी चाहिए थी ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। पिछले वर्ष ही आपको याद होगा एक लड़की की जान चली गई थी गिर के, और वहाँ पर अभी भी मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से खच्चर दौड़ रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, उससे यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। चार धाम यात्रा में 20 लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसकी रिपोर्ट को अब PMO ने भी मांग ली। सवाल चारों ओर से उठे तो सरकार ने रिव्यू मीटिंग बुलाई और कई सख्त फैसले लिए। अब यात्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा, जिसे अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके अलावा चार धाम पर आने वाले यात्रियों की निर्धारित संख्या में 1,000 का इजाफा भी होगा। ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट।